हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैली जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैली जी आ गए, आप याद पे आ गए एकदम से। मैली, कैन यू हियर मी? मैंने म्यूट किया हुआ है, मेरी आवाज से आ रही है? जी जी, yes, आ रही है। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम जी। साहिल, क्या हाल है आपका? मुझे आपको एक कबूतर उड़ता उड़ता आया था कि मेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं आप लोगों के चैनल पे, बड़ी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं जैसे इनकी दूसरी स्टोरियां झूठी हैं, मैंने कहा इनकी और भी स्टोरियां आके झूठी हैं। ये वो हमारे वहां पे वो कहते हैं फापा कुटनी नाम कहते हैं, जो औरतें ना इधर उधर लगाती है और झूठी झूठी अफवाहें बढ़ाती है, तो वो उस बंदी को देखा है वो यूं करती है, वो वूं करती है। तो सही है, चाचा जी कल यही काम कर रहे थे, मैं उनकी स्ट्रीम सुन रही थी। सही है जी, आपको तो मेरे से ज्यादा आप मुझे जानते हैं, मेरे दादा को, नाना को, नानी को सिखा। ये तो आप ही बता, पहले ये आप लोग, ये लोग जो से मेरे को इल्जाम लगा रहे कि मैं आपको लाइटा मार रहा हूँ। लाइन तो दिखा था कि मैंने आप लोगों को अपने साथ जहन्नुम में लेके जाना है, आपका ईमान यही लाइन पे कुर्बान हो जाएगा, आप देखिएगा ऐसा ऐसा। अच्छा, वो आपके जो बोले थे, आप ही बोले थे ना, वो आपके ग्रैंडफादर जो है सो मुस्लिम थे और ग्रैंड मदर जो है सो पारसी थी। वो तो बोले जी, अब बताओ, प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप मेरे चैनल पे आते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना फोकस नहीं कर सकता है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, राइट? तो जब आप मैं बोल रही होती हूँ ना, तो आपका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और आपका फोकस कहीं और होता है, तो इस वजह से आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपने मेरे दादा को, नानी को, सबको मिला दिया, आपको टके का नहीं पता मैंने जो स्टोरी बताई थी, क्योंकि आप कहीं और फोकस कर रहे थे। ओके, क्या बताया आप, क्या बताया इसे बोलो। नहीं नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका फोकस कहाँ था जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये बताएं। मैं बहुत ऐसा ही मैं रिमेम्बर रखा हूँ, आप बोले थे कि आपके ग्रैंडफादर जो है सो मुस्लिम थे और ग्रैंडमदर जो है सो। नहीं, गलत। देखें, अगर आपने सही से मेरी बात सुनी होती ना, मगर जब आप आते हैं ना, तो आपका आधा दिमाग लगा होता है यहाँ नेक एंड बिलो, तो आप फोकस नहीं कर सकते हो ना, तो अब आप आधा सुन रहे होते हो, आधा पता नहीं क्या कर रहे होते हो, मुझे नहीं पता उसका, मगर अरे सैयद चीचा, सैयद चीचा आप कहाँ ध्यान देते हो, सैयद चीचा ये कहाँ ध्यान देते हो आप, कितनी गलत बात है ये। अरे वो तो देखो, आप कहाँ है मेरा ध्यान, ये बताइए आप। जो आप बताए ना, आपको सही चीज समझ में नहीं आ रही, अपनी मन घरेट कहानियां बनाकर, जैसे आप कुरान में आ जाते हैं कहानियां बनाकर, तो हदीसों में कहानियां बना रहे थे, तो आपने यहाँ भी कहानी बना दी है मेरी, इसकी खिचड़ी बना दी आपने। अच्छा भाई, बताओ ना सबको आप क्या बोले थे। सो सिर्फ मैं उसी वक्त बताऊंगी जब आप ये बताएं आपका दिमाग कहाँ था जो आपने सही बात नहीं समझी। आप बोल दो सही चीचा, सच्ची सच्ची बोल दो, अल्लाह का वास्ता है तुमको, अल्लाह का वास्ता है तुमको, सच्ची सच्ची बोल दो सही चीचा। अरे भाई, ये तो अट्रैक्शन, इंसान का अट्रैक्शन है, चाहे उस कितना भी शरीफ रहे हो। ये चीचा मान गए ना महरम, एक काफिर से आपको अट्रैक्शन हो रही है यार। देखिए, आपका आधा ईमान तो हमारे पास आ ही गया, बाकी भी कर लो, आजमान लो, इसीलिए अल्लाह बोलता है कि उसको ढाप लो, तुम शर्मगाह को ढाप लो बोलता है, इसीलिए फिर आप आंखें बंद करके बात करते हैं। क्यों बात करिए भाई, इधर को मुन्ना भाई भी आ गए। आप यानी पूरे मजे भी लेने हैं तो आके अपना भाषण भी छाड़ना है हम पे, हमसे कहना है कि मैं कवर करूं, मगर मैं पूरा देखूंगा। क्यों महलत जी, आप जब ऐसा बताती है तो हमारा दिमाग तो उसी में जाएगा महलत जी, हम इनसे बंद है, क्या समझ रहे हैं? कैसा बताती हूं मैं बात कर रही होती हूं या यहां पे कुछ बात कर रहा होता है, बात तो मेरे मुंह पे आ रही होती है ना। हम मर्दों का दिमाग उसी में जाता है, जरा सोचो आप। यानी क्या आप ठरकी हैं एक नंबर के, 660 के होके भी आपकी ठरक नहीं मरी अभी तक। अरे डजंट मैटर, 60 का हूँ, 90 का भी रहा तो मैं मेरा उधर ही जाएगा, समझ रहे ना। ये तो आपने, वैसे तो मैं सुना था कि आपका खड़ा नहीं होता है, तो आपका फायदा क्या हुआ?
ये मर्दों की जो वो है, फितरत है ये, समझे ना, इसलिए आपको जो है सो छुपा के रखना चाहिए। नहीं, आपकी फितरत है, आपकी प्रॉब्लम है, आपका खड़ा हो जाता है उसमें, मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं? आप कंट्रोल में रखिए ना अपने आप को। अब मुझे कोई खूबसूरत सा बंदा दिखता है तो क्या मैं उसको देखकर उससे कहूं नहीं तुम कवर करो, मैं तो देखूंगी घूरूंगी, ये बात थोड़ी है। मेरी ठरक मैं अपने अंदर रखती हूँ, ये थोड़ी कहती हूँ कि ओह हाँ, आपकी तो ये हालत हो रही होती, मैं पूरी फोकस कर सकती हूँ, आप फोकस भी नहीं करते, आप झूठी कहानियां कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं जब आपके दोनों हाथ फारे हुए होते हैं, जब आप मुझे देखते हैं या दोनों बिजी हो रहे हैं? ट्रस्ट में मर्द की ये फितरत है ये ऐसा करने की, समझे ना। तो अभी आपके तुम्हारे को हाथ किधर चाहिए है सैयद चीचा? आ, आ, आप अभी हाथ किधर है आपके? मेरे अभी किधर है हाथ आपके हाथ? लैपटॉप कैमरा खोल के हाथ पे दिखा दे फिर दोनों अपने। सुनिए, आप कहीं को बताते हैं ये बोलो मेरे को, आप क्यों बताती है? सही है, चाचा के हाथ में कैलेसेस पड़ गए हैं हिला हिला कर। सही बात आप क्यों बताती है भाई, ये बताओ। मैं तो देखता हूँ, है, ये मैं मेरी क्या फितरत बताती है। हूँ? मैं बताती नहीं हूँ, मैं दिखाती हूँ, बताती नहीं हूँ, बताती तो मैं कुछ और हूँ, मगर आप देख रहे होते हैं तो आप जो मैं बता रही होती हूँ उस पर आपका फोकस ही रहता है। तो अब आप हमको ये बताइए कि आप ठरकी हैं, एक मुसलमान होकर इतने बड़े ठरकी, यानी ये तो हराम चीज है ना। आप यहाँ पर इतने मर्द है, उनसे पूछिए उनकी नजर कहाँ जाती है, आपके फेस पे जाती है या उनकी नजर फेस कहीं भी के जाए, नीचे जाती है? उनकी नजर कहीं भी जाए, आपकी नजर कहाँ जाती है ये बताए ना। वो तो सारे यंग लोग हैं, काफिर यार हैं, सबकी हराम बात ना है। करे हाँ, सैयद चीचा, आप सबकी अपनी बात बात ना करें। करे, अपनी क्यों बात क्यों करे। क्यों भाई, तुम क्या मर्द नहीं है? तुम नहीं देखते क्या? हाँ तो मर्द है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नजर हमारी किधर भी चले जाएगी। तुम अरे घूमता चाचा क्या कुछ साहब, भी, तुम्हारे से ठरकी धोरी है इधर, हम लोग ठरकी धोरी है तुम्हारे जैसे। तुम्हारे को इतनी गट्स नहीं है बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ट्रुथ। सही है महाराज जी, चाचा, मैं ये सब नहीं करता। इनके लाहौर बातों आया पे मत कुवैत। जाओ, इनके बातों पे मत जाओ, ये पूरे के पूरे देख रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, सही गौर जी, से देख मुझे रहे हैं। भी हाँ, होते हैं, पता हम है इनको देख होते रहे हैं, और हैं। झूठ है, और ये क्या मर्द हैं देख रहे हैं, मैं चलो भी जो भी है। मेरी बात आपसे है कि ये हराम काम है, एक नामहरम को वैसे ही देखना, उससे बात करना, छोड़े तो आप ये बैठ के देख रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि मैं देखने आता हूँ और हिलाता हूँ, ये कहाँ लिखा है कुरान में हदीस में? फिर आप कुरान हदीस करने आ जाते हैं यहाँ पर। मैं आपको ऐसा देखने नहीं आता। मैं तो, आप एक्स मुस्लिम है, मैं हर एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाता हूँ। वो आप हैपन टू भी जो है सो आप बताती है तो वो और बात है। अच्छा, मगर खापा खुशबू की तरह आप दूसरे चैनल्स पे किसी और की थोड़ी बातें कर रहे होते हैं, आप महलीज की बातें कर रहे थे। क्यों? महलीज का ओनली फैंस है, वो दिखाती है, ये करती है, वो करती है, ये वही बातें, जैसे वो पुरानी बातें बनी हुई है, आपने अपनी बात बना दी है। क्या बहने देखा जी, आपने महलीज का आज तक मैं कभी? आपके बारे में नहीं बताया, वो लोग पूछे मेरे को तो मैं सच सच बता दिया उन लोग को, उसमें क्या कौन हर्ज सा तो था? सब बता दिए। कौन सा सच आपने क्या देखा है आज तक महलीज का, बताइए जरा, या क्या देखने की ख्वाहिश रखते हैं आप, बताएं। नहीं महले जी, वो लोग पूछे मेरे को कि मैं क्यों आपके चैनल पर जाता हूँ, और लोग शक शक की बातें कर रहे हैं कि मैं आपके सब्सक्राइब किया हूँ आपके चैनल को। तो वो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ऐसी कुछ बात नहीं हमारी, मैं सिर्फ बात करने जाता हूँ, ये समझाया उनको मैं। नहीं, आप सिर्फ अरे बात करने थोड़ी चीचा, आते हैं। अच्छा चीचा, पहले की स्टोरी तुम मिस कर दिए। पहले की बताओ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? क्या चीज आप वो किसके चैनल, आप इधर तभी बात कर रहे थे और वो बात सुन ली गई थी ना इधर बैक हाँ स्टेज में हम लोग ने, तभी हाँ वो आपको पूछा था ना हम लोग ने। हाँ खोराम है ना, खोराम उनके हाँ वो आजाद जी तुम के किधर चैनल तो पे बात कर रहे का थे ना आप। हाँ आजाद जी के चैनल पे बात कर रहा था खोराम से, तो उसने मेरे को इल्जाम लगा रहा कि मेरे को ऐसा कैसा कर रहे तुम, शर्म नहीं आती ये वो। बार अरे क्या करे भाई, अब कैसे करे, क्या कर रहे नहीं तो आप एक साथ में दो जगह पे लाइव थे और आपकी बात हमने सुन ली थी, उसके बाद आपको एडम भाई ने पूछा। यार ये गलत वैसे तरीका है ना सैयद चीचा, आप इस्लाम की बात सुनने आते हो, दिफा करने आते हो कि ये ऐसी सब हरकत करने आते हो? देखो, मैले जी से पूछ लो मैं क्या हरकत किया हूँ। साहिल, इनके दिमाग पे आजकल सिर्फ महलीज चढ़ी हुई है, वो किसी भी चैनल पे जा रहे हैं, इनके दिमाग पे महलीज घूम रही होती है। यार मैली जी, बात है आपके ना सैयद दीवानों जी, की लिस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है यार। आपको तो बशूर को सारे दे रहा हूँ कंगले, मैं। सारे कंगले ही हैं ये, सारे दीवाने कंगले, सपोर्ट करने आते हैं, पता नहीं मुझे पूछे कौन से सपोर्ट करने आते हैं मुझको।
अच्छा सही है चीचा, अभी आप मैली से चाहते क्या ये बता दो पहले। नहीं कुछ भी नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बोला उनको सपोर्ट करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, मुलायम को जूते मार रहे हैं हरामजादों को, हमको चाहिए कि बहुत सारे महल जी जैसे होना लोग तो पाकिस्तान देखो, बहुत सारे होना महलिज जैसे, ये देखो चचा भाई। भाई। मेरे जैसा होना चाहिए बहादुर, राइट, आकर आप जैसे लोगों को फेस करें और कहें कि आप हमारे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, अब आप कान खोल के सुने, नीचे मत देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सही तरीके से कहा देख रहे तुम सही चीचा, अभी कहा देख रहे सही चीचा, किधर देख रहे आप? अरे भाई ऊपर फेस पे देखना चाहता हूँ, मगर फिर नजर नीचे जाती है। क्या टर्की आदमी है। अरे भाई क्या, कितना सच्चा इंसान है यार ये, कितना सच्चा इंसान है। अरे भाई शुक्र करो मुझे देखकर यहाँ आपने आपको जो भी कर लेते हैं, वरना इन्होंने भी किसी बकरी या गधे को पकड़ लेना था बाहर। अच्छा सुने आप मेरी बात सुने, मैंने कहा है कि मेरे नाना पारसी थे, मेरी नानी मुसलमान थी, दोनों इंडिया से थे, आपने मेरे दादा दादी को पता नहीं क्या बना दिया आपने, ठीक है, जरा इंफॉर्मेशन सही से जाना करें आप। अरे जरा सा वो उसपे मिस्टेक हो मेरा बच्चा है बगैर शादी के, मुझे ये बताएं कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा शादी के साथ हुआ, बगैर शादी के हुआ, आप खिलाते हैं उसको। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं कुछ इतराज नहीं किया, खाली इंफॉर्मेशन दिया मैं। इतना कुछ तो कर बोले आप मेरे कैरेक्टर के बारे में, ये आपकी जिंदगी है, आप कुछ भी कर लो, देखो आप एक्सक्लूसिव हो गए। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं अपने प्राइवेट पेज पे जो भी शेयर करूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप जाके दूसरों पे बातें क्यों करते फिर, प्रॉब्लम नहीं, तभी तो बात की ना आपने। अच्छा सही है चीचा, आपने मैलिज जी की ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं क्या ओनली फैन की मेंबरशिप ली आपने? नहीं 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 ली। तो क्या सपोर्ट कर रहे फिर आप? वो बोलती है भैया, उन्हें बोलते हैं वहां पर, तो मैं वो बताया मैं उसको क्या बोलती हूँ, मैंने कहा मैं वहां पे दिखाऊंगी, मैं वहां पे खाना बना के भी दिखा सकती हूँ, मैं वहां पे कपड़े सी के भी दिखा सकती हूँ, मैं तो वहां पर आप चित्र भी लगाते हुए दिखा सकती हूँ, क्या दिखाऊंगी? आपका दिमाग ने क्यों सोचा मैं एक ही चीज दिखाऊंगी, ये बताए जरा। नहीं नहीं वो बस आप जितना बोले हैं मैं उतना ही बोला हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं बोला। सही चीचा, देखो ज्यादा ज्यादा बोलोगे ना तो ये अभी जो आप मजे ले रहे हो ना, ये ऐसा मैसेज कमेंट वहां करके आपके मजे पूरे खराब कर दूंगा मैं। हाँ क्या बोल रहे? कुछ नहीं देख पाओगे। नहीं नहीं ये देखो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत काम नहीं किया लाइफ में, मैं भी किया गलत काम, मगर मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ मैं अब। अच्छा देखो एक देखो, तुमने तो कभी सपोर्ट किया नहीं, रोहन भाई कह रहे हैं मैलीज यू हैव अ ब्यूटीफुल आईज एंड ब्यूटीफुल सोल, चचा आपकी बेटी की उम्र की है, एवरीथिंग इज नॉट सेक्स, हमेशा पापा रंजीत मत बनो। मगर प्रॉब्लम यही है ना, इन लोगों को क्योंकि ओपनली एक सोसाइटी नहीं बनाई गई है, इतना फ्रस्ट्रेटेड करके रखा जाता है कि इनको हर चीज में सेक्स ही दिखता है औरत में, बस आप बस हम वी आर सेक्सुअल क्रिएचर्स, दैट्स इट, यू नो। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है मान भी लिया, मगर मानो तो ना सही, ठरकी हूँ मैं, हम भी करते हैं ये हराम हलाल का लेकर आ जाते हैं, फिर हदीसें हो हम पिक चूज करेंगे, फिर पक्का मोमिन भी बनना है इन्होंने, ये हिपोक्रेसी नहीं चलती। या तो आप खुल के बोलोगे भाई मैं ठरकी हूँ, मैं हिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ओनली फैंस जाके ज्वाइन करें क्योंकि मुझे पता है आपको देखने की ख्वाहिश है, बस आप पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं उस पर, मगर चार पांच पैसे लगाए आप तो आप वहां जाके देखे तो उसके अंदर है क्या वहां पर। यार मैलीज ये देखिए मोहम्मद जुबेर क्या कह रहे हैं, मैलीज आपकी चक्कर में मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा। अरे यार ये देखो ऐसे भी अलग है, मैं लाइन दिखा कर इनको लाइन पे लेकर आ रही हूँ, आपको पता है मेरी लाइन के पीछे बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने साम छोड़ दिए। चलिए बहुत जबरदस्त मैलीज जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी और सो मच फॉर टेकिंग मी, मैंने कहा मैं आपके जरा बात क्लियर कर दूं कि सही है जी, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, चलो थैंक यू एवरीबॉडी। गलत प्राइमरी तो नहीं, मैं ऐसा गलत तो नहीं बोला ना आपके लिए, समझे ना? नहीं आप okay. बहुत ऑनेस्ट है, और किसी ने आपके लिए एक अप्रिशिएशन मैसेज भी भेजा था कि जो दिल में है वही आपने मुंह पे भी कहा, लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज आपने झूठ बोला है कि आपके दोनों हाथ जो है वो लैपटॉप या टेबल पर है, ये मुझे थोड़ा इस पे शक हो रहा है। मुन्ना भाई क्या कहते हो?
क्या बात आ करते यार तो। बाप रे बाप। आप बकरी को देखिए भी आपको कुछ होता था क्या? नको जाओ डिटेल में भाई, होए 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 नको सच्ची जाओ सच्ची बोल डिटेल में दो। बोल रहे भाई, कुछ तो गड़बड़ी जरूर थी मुन्ना सही है भाई। चीचा? हाँ सच्ची सच्ची बोल दो एक बार। क्या बोल दूं यार, क्या बोल मैंने दूं जवान। इस्लाम से लिखा गया है भाई, तो मैंने सुना ऐसा होता है करके। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये देखो भाई मुन्ना भाई, हमको जो है सो इंसान को सच्चाई की बात करना चाहिए। मैं ये नहीं बताता हूँ कि मैं कोई अच्छा इंसान था, ऐसा नहीं था, डिफरेंट था आपके। तो ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ मुसलमान जो है सो ऐसा करते हैं। सपोर्ट की जरूरत है, आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।